तो दोस्तों मेरे पास अभी आ चुका है एक्सिस बैंक के डिजिटल करेंट अकाउंट का ये वेलकम किट, जिसमें मुझे एक डेबिट कार्ड है और क्या है पता कर लेंगे खोल करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 जून को ये डिस्पैच हो करके और 4-5 दिन में ही हमें ये मिल चुका है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर ये अनडिलीवर हो जाता तो ये बैंक के एड्रेस पर चला जाता, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे बैंक का एड्रेस है, तो यहाँ पर चला जाता, ये हमें ब्लू डार्ट के थ्रू मिला हुआ है, ठीक है। फटाफट से इसे हम खोल लेते हैं, देख सकते हैं कहीं से भी इसे खोला नहीं है, तो हम इसे खोल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारा वेलकम किट, और इसका देख सकते हैं कुछ प्रेम पत्र है, इसे ज़्यादातर कोई पढ़ता नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं डेबिट कार्ड किस में है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये हमारा स्वाइप मशीन के लिए बोल रहा है, जो कि अगर मर्चेंट होंगे तो, और यहाँ पर पिन सेट करने के लिए बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप पिन सेट कर पाएंगे, 4 स्टेप है। और इसमें हमारा डेबिट कार्ड है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मेरा एड्रेस और ये मेरा डेबिट कार्ड, ठीक है, देख सकते हैं। ये मैंने 295 रुपये पेमेंट करके दिए थे, 500 प्लस वाला ये नहीं है, 500 कुछ रुपया होता है वो नहीं है, इसका लिमिट कम है उससे। ये हमारा डेबिट कार्ड हो गया, यहाँ पर NFC इनेबल्ड है, ये देख सकते हैं यहाँ पर NFC का साइन है, यहाँ पर बिजनेस जो लिखा हुआ है इसके नीचे, यहाँ पर ये सिल्वर कलर में काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर पीछे CVV दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटरनेशनल भी है, मतलब वीज़ा है तो इंटरनेशनल रहेगा ही रहेगा, इंटरनेशनल यूज़ आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका डिटेल दिया गया है कि डिजिटल करेंट अकाउंट, जो कि देख सकते हैं स्कीम ये है, डेबिट कार्ड फर्स्ट और लास्ट ये है, देख सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया अनपैकिंग एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड का, ठीक है। अब हम लगे हाथ इसका ATM पिन भी बना लेते हैं। तो ATM पिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाना होगा, और यहाँ पर ये बोल रहा है जैसे वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। इसे हम लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है, अब हमको चलना है। यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस एंड सपोर्ट पर जाना है, फिर डेबिट कार्ड पर जाना है, फिर रिसेट पिन पर जाना है, वहाँ से आपको पिन बना लेना है। तो यहाँ पर जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस एंड सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 3रे नंबर पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि वीज़ा वाला ये 46 जो कि शुरू में लिखा हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं 46 है, अंतिम में 47 है, तो यहाँ पर 47 है। यहाँ पर एक मुझे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिला था, जिसके जरिए मैंने इस मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर किया था, ठीक है। क्योंकि मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करते समय भी ये डेबिट कार्ड का डिटेल पूछता है, तो मैंने वर्चुअल वाला डाला था, तभी ये लॉगिन हो पाया था। तो वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दूसरा है, ये कार्ड ये वर्चुअल वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फोकस कर देता हूँ, ये दूसरा है और ये दूसरा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा फिजिकल आया हुआ है, इसका पिन बनाएंगे, तो ये ठीक है। यहाँ पर सेट पिन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि 4 अंकों का पिन मांगने लग गया है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 9217, मैं अपना डाल रहा हूँ, आप अपना डालिएगा 9217, ठीक है। मैंने डाल दिया है, कंटिन्यू कर देता हूँ, और यहाँ पर एम पिन पूछेगा, जो कि मैंने बना रखा है वो वाला एम पिन मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये हमारा पिन बन चुका है, देख सकते हैं कि ATM का पिन बन चुका है। एक SMS आ गया पिन एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड का, ये देख सकते हैं कि हमारा ऑनलाइन कॉन्टैक्टलेस और ये सब ऑन करने के लिए बोल रहा है, ताकि आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आसानी से शॉपिंग कर पाएँ। तो चलिए वो भी ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, चलता हूँ होम पेज पर। अगर आपको शॉपिंग करना है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर होम पेज पर। चल के आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से होता है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ होम पेज पर। नीचे जाने के बाद यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको और भी डिटेल दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर मैनेज यूजेस, यहाँ पर दूसरे वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा ये वर्चुअल वाला है, तो इसे हम हटा देते हैं और हम अपना फिजिकल वाला लेके कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ATM लिमिट हमारा 40,000 रुपया है, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस हमारा ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जो कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर जहाँ से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे OTP के थ्रू, वो यहाँ पर इसे ऑन कर देंगे तभी हो पाएगा, जो कि 2,00,000 रुपये है। और POS लिमिट भी 2,00,000 रुपये है। इंटरनेशनल सभी बंद है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ बंद है।
लेकिन डोमेस्टिक हम चालू करके छोड़ देते हैं, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बार कन्फर्मेशन के लिए आपको दिखाएगा और यहाँ पर कन्फर्म, ठीक है। और यहाँ पर हम पिन डाल देते हैं और हमारा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हैं तो आपको कैसा SMS आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे SMS आएगा कि ट्रांजेक्शन एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड का इतना डिक्लाइंड हो चुका है, ऑनलाइन यूजेज डिसेबल है, इसे ऑन करिए, ठीक है। तो हमारा ऑन हो चुका है, इसका SMS आ गया है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला SMS आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ATM आ चुका, मैंने आपको खोल के दिखा भी दिया। उसके बाद हमने पिन भी बना लिया है, पिन बनाने के बाद इसका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन और सब कुछ जो कि हमें इंडिया में यूज़ करना है उसे हमने चालू कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।